अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है दाल चना और साथ चिकन। इसमें स्पाइसेस जाएंगे एक अदद अनियन, दो से तीन अदद ग्रीन चिल्ली, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड रेड चिल्ली, और एक से दो अदद जाएंगे टमाटर। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। अब इनको हम अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये देखें, अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और ग्रीन चिल्ली। अब हम प्याज़ों को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दाल चना को हम जब भी पकाएं उसे हमेशा नीम गर्म पानी के अंदर डिप करके रख दें एक घंटे के लिए। इससे आपकी दाल चना बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाएगी और उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप इसको इस तरह डायरेक्ट पकाएं, तड़का लगा के उसके बाद। इस तरह हमारी चिकन के साथ बहुत यम्मी सी दाल चना बनती है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके अंदर डाल दिया है चिकन और साथ में डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। अब हम कुछ अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। उस वक्त तक हम चिकन की बुनाई करेंगे जब तक ये इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर मसाले। इसके अंदर जाएंगी 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली और 1 टेबलस्पून जाएगा नमक। और अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये हम पाउडर मसाले डालने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे दाल चना। ये आप देख सकते हैं, अब दाल चना डाल दी है। अब हम इसको मिक्स करके लो फ्लेम के ऊपर दे के दम दे देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको दम देंगे, देन ये फिर बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी और हमारा चिकन भी इसके अंदर गल जाएगा। देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं, हमने अच्छी लो कर दी है और बिल्कुल ऐसे ही दम लगाया है जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं। अब 10 से 15 मिनट के लिए ये स्टीम के ऊपर पकेगी, देन भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये रही दाल गोश्त की फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी दाल चना बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। और अब मैं आपको चिकन भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए हमारी बोटी बहुत अच्छे तरीके से टूट रही है। और ये है हमारे सैलून की फाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।